अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पिछले दिनों हम लोग ग्रैटिट्यूड की जिस तरह से बात कर रहे थे, मैं खुद उसको प्रैक्टिस करती रही और मैंने उसके फीडबैक के हवाले से भी वीडियो बनाई थी। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें जो मुइज़ अमजद साहब के थ्रू मैंने मज़ीद लर्न की, उसकी डेप्थ में गई कि, और मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी कि चार चीज़ों के ऊपर हमने गौर करना है। और ये एक्चुअली 30 डेज़ का एक चैलेंज था। इसके बाद पहले वीकली इस चीज़ को लिया था, तो 30 डेज़ में जब मेरी तवज्जो शुक्रगुजारी के पहलुओं की तरफ होगी, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की बहुत सारी वो नेमतें जिसका मुझे एहसास आज तक नहीं हुआ था, या मैंने एहसास उसका ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो उसकी सूरत में, यानी ये अमल करने की सूरत में, ये अपने आप में एक प्रैक्टिस करने की सूरत में, मेरी ज़ात पे उसके असरात क्या मुरतब हो रहे हैं। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने फीडबैक दिया इस हवाले से। वो कहने लगी कि, यानी उससे डिस्कशन होने लगी, वो कहने लगी मैं अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस कर सकती हूँ और इसके क्या मज़ीद इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। तो उस डिस्कशन के नतीजे में एक बड़ा यानी एक इंसाइट डेवलप हुई, वो ये कि जब मैं शुक्र की तरफ मेरा फोकस हो जाता है तो मेरी जो सोच है उसमें होता है मैंने अल्लाह के लिए अब क्या करना है, या मुझे अगर किसी से फ़ायदा हुआ है एंड आई फील थैंकफुल अबाउट दैट पर्सन, या वो जो नेमत मिली है उस चीज़ के हवाले से आई एम ग्रेटफुल, तो मेरा सेकेंड रिस्पॉन्स जो है वो ये होगा मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं इसको शेयर कर सकती हूँ, या मैं उस बंदे के लिए क्या कर सकती हूँ। सिमिलरली जब मैं शुक्र की तरफ मुतवज्जे होती हूँ, जब मेरी सोच में शुक्रगुजारी पॉजिटिविटी का एक एडिशन होता है, जब मैं सुबह में उठती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरी आँखें अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से देख रही हैं सारी कायनात को, अपने घर को, अपने आप को, मेरी आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी नेमत दी हुई है जो कि अनलिमिटेड है, और अगर कभी किसी से ले ली जाती है तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ हम कहीं सुनते हैं कि अच्छा खासा उसको बीना इंसान था और अचानक से उसको कोई ऐसी डायग्नोसिस हो गई, कोई इलनेस हो गई और वो उसके बाद आँखों से महरूम हो गया, बीनाई से महरूम हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नेमत है, अब इसको क्या ज़ाया करना है मैंने, या इसको किस तरह से ठीक तरह से इस्तेमाल करना है, और जो नज़र आ रहा है उसको अपने लिए कैसे अपने और लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाना है। इसी तरीके से जो शुक्रगुजारी है, यानी मैं खा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के पास आज खाने को नहीं है, किसी का प्रॉब्लम सुना है, तो जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होगी कि अल्लाह ताला ने मुझे अलहदा से इस इम्पॉर्टेंस दी है और मुझे नवाजा है, या मुझे इस सब्र में नहीं डाला, आजमाइश में सब्र की, और मुझे तो खाना दे दिया, तो सूरत में मेरा जो सेकंड जो थॉट होगा या जो एक्शन होगा उस वो ग्रेटफुलनेस के एहसास की वजह से वो ये होगा कि मैं भी किसी के साथ शेयर कर दूँ या मैं उनकी मदद कर दूँ। तो इस सूरत में ऐसा हुआ, इनसाइट जो डेवलप हुई वो ये कि शुक्रगुजारी इंसान को देने की तरफ ले जाती है और उसके अपने अंदर इत्मीनान का एहसास पैदा होता है। ये जो शिफ्ट ऑफ फोकस होता है, चीज़ें मेरे पास क्या नहीं है, ना शुक्री का फोकस चेंज हो के मुझे क्या मिल चुका है और जो कुछ मिला है वो कितना कीमती है, और अब मैं किसी को क्या उससे फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो यानी हम टेकर साइड से हट के गिवर साइड पे आ जाते हैं, और ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के में हमारे साइकोलॉजिकली रैशनल लेवल पे और वैसे, यानी अपनी जो भी हमारी लाइफ है मटीरियलिस्टिकली भी, हर तरह से काम कर देती है, हमें पीस और ट्रैंक्विलिटी मिलती है। और इसको मज़ीद अगर प्रैक्टिस किया जाए और इसको मज़ीद डेवलप किया जाए, जिस तरह से जो पोस्ट में लिखा था कि इसको देखे कि हर चीज़ जो नेमत मिली है वो कहाँ से मिली है, वो उसकी सोर्स क्या थी, यानी अगर अल्लाह ताला ने मेरी आंखें बनाई तो माँ के पेट में बनाई थी, और अल्लाह ताला उस वक्त वहीं से अगर कुछ एरर आ जाता तो फिर आगे क्या होता। तो ये उस खुदा की नेमत, वो रब्बुल आलमीन है, वो उसने इतना मेरी परवरदिगारी का उसका सामान देखे, उसका अहतमाम, उसके अरेंजमेंट्स, उसकी इल्म, उसका हिकमत, उसकी रहमानियत, कि उसने मुझे उस वक्त
मेरे लिए काम कर लिए करना शुरू कर दिया और मुझे नेमत अता की अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारी शख्सियत का हिस्सा बनेगी। दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन और कोई कोर्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सब प्रैक्टिस करने और अपनी पर्सनैलिटी को इस हवाले से बिल्डअप करने की बात है। तो आई वुड बी वेटिंग कि आप लोग भी शेयर करें अपने कुछ एग्जाम्पल्स जो आपने शुक्र किया जिन बातों पे, उससे पहले कभी रियलाइजेशन नहीं हुई थी। और ये जब ग्रुप में की जाती है चीज़ें, तो उस सूरत में ये होता है कि पांच अगर लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें और उसको प्रैक्टिस किया है, जब वो पांचों अपने अपने शुक्रगुजारी के पहलू शेयर करते हैं, तो सूरत में हम सब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और उसकी सूरत में हमारी ये स्किल्स जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जाती है और कंटेंटमेंट, इत्मीनान, क़नात और सुकून में हमारी ज़िंदगी में मज़ीद इजाफा होता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर।